तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूँ मनोज कुमार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिलेवार डिस्ट्रिक्ट वाइज आंगनवाड़ी की नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल पदों की संख्या है समस्त उत्तर प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्टों में 23,753। ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कंपनी। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ आप ऑनलाइन मोड में आंगनवाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ संबंधित जो जियो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, ये 21 मार्च 2023 को जारी किया गया था। समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है। इन पदों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष रखी गई है। आयु सीमा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिकाओं के लिए कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 साल रखी गई है। आयु की गणना के लिए हाई स्कूल की अंक तालिका और प्रमाण पत्र ही वैलिड माने जाएंगे। तीसरी कंडीशन यहां दी गई है, 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर सभी कार्यकर्तियों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति की प्रत्येक कैलेंडर 2 मई से 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल रहेगी। यदि किसी कार्यकर्ता सहायिका की आयु मई 2024 में 62 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उसकी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2025 को हो जाएगी। इस प्रकार यदि किसी सहायिका कार्यकर्ता की आयु अप्रैल महीना 2024 में 62 वर्ष पूरी हो रही है तो उसकी सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल 2024 को ही मानी जाएगी। चयन की जो है पात्रता है करते हैं, सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती के लिए अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं से चयन कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सबसे पहले जो अर्हता शैक्षिक क्वालिफिकेशन रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा की यानी जिस ग्राम सभा में वैकेंसी है उसी ग्राम सभा की और शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में उसी आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम कट ऑफ डेट 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करी हो और शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट हो और उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका चयन किया जा सकता है। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर उसी ग्राम सभा या उसी शहरी क्षेत्र में वार्ड उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर तैनात आंगनवाड़ी सहायिकाओं से मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र कैंडिडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत में जो शनिवार चयन किया जाएगा विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निगम द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल सम्मिलित करनी होगी। तलाकशुदा परित्यक्ता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश संबंधित जो जारी किया गया है उसे देना होगा। जबकि आय या इनकम के संबंध में तहसील द्वारा जारी किया गया हो नवीनतम जो 6 महीने से पुराना अधिक समय का पुराना नहीं होना चाहिए इनकम प्रमाण पत्र देना होगा। निवास और जाति प्रमाण के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो सके। आवेदन करने की
प्रक्रिया होगी। चयन प्रक्रिया जनपद के जिला अधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निदेशक बाल विकास सेवा कुशवाहा उत्तर प्रदेश केंद्रीकृत प्रारूप रूप में कराकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराई जाएंगे, जिससे समरूपता बनी रहे और अभ्यर्थी को आवेदन भरने में सुगमता रहे। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन और सही सही सावधानी पूर्वक सभी कैंडिडेट को भरने होंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ और पठनीय हो अपलोड करनी होगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया है। कोई भी आवेदन या अभिलेख पत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा नहीं माने जाएंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई आंकड़े तथ्य शैक्षिक अभिलेख या पूर्णांक गलत होते हैं तो अभ्यर्थी का जो कैंडिडेटर है अभ्यर्थन वो निरस्त कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र उम्मीदवार होने की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट और अधिकतम शैक्षिक योग्यता पर स्नातक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसका अंक माना जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट को हाई स्कूल में 45% अंक हासिल हुए हैं तो उसे 10 से भाग करने पर 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 5.59 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसका 10 से भाग करने पर 5.9 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार की ग्रेडिंग और CGPA पद्धति में अंक प्राप्त भी प्राप्त अंक भी अंक गणित आग्रह किए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार करने में 0.3 अंकों तक गणना की जाएगी। 0.5 के बाद किसी भी अंक की पूर्णांकित नहीं किया जाएगा। सभी परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने के पश्चात फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी। एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान है तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले कैंडिडेट को मान्यता या वरीयता दी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर चयनित कैंडिडेटों के सभी डॉक्यूमेंट का मूल प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। एक सदस्य जिला कार्यक्रम अधिकारी और संबंधित बाल विकास परियोजना के अधिकारी के द्वारा सब कुछ सही होने पर नियुक्ति पदाधिकारी प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत 15 दिनों के अंतर्गत सुनिश्चित की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जिलेवार आंगनवाड़ी भर्ती के लिए 23,753 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 की वेबसाइट पर upanganwadibharti.in पर। यहां आप देखेंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इससे पहले इस वेबसाइट पर आपको नीचे की साइड में लेटेस्ट वैकेंसी की यहाँ विज्ञप्ति दिखाई देंगे। जिलेवार मुजफ्फरनगर में यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। लास्ट डेट है आवेदन करने की 1 अप्रैल और शामली में आंगन भर्ती विज्ञप्ति लास्ट डेट है 2 अप्रैल और इटावा में 1 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। चित्रकूट में 12 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। बागपत में 2 अप्रैल तक किए जा सकते हैं और हाथरस में 3 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। पीलीभीत में 2 अप्रैल तक, लखनऊ में 1 अप्रैल तक और संबल में 3 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। अमरोहा में 5 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। कौशाम्बी में 1 अप्रैल तक और 10 अप्रैल तक प्रतापगढ़ वाले कर सकते हैं। 16 अप्रैल तक सीतापुर में, 4 अप्रैल तक मेरठ में, हापुर में 3 अप्रैल तक और में 4 अप्रैल तक है। लास्ट डेट शरावस्ती में है 4 अप्रैल और मऊ में 4 अप्रैल है। 3 अप्रैल तक रायबरेली और कासगंज में 4 अप्रैल है। इसी तरह बदायूं में 4 अप्रैल है, सोनभद्र में 5 अप्रैल और 10 अप्रैल मिर्जापुर में, गाजियाबाद में है 5 अप्रैल और 4 अप्रैल खीरी में और 4 अप्रैल भी है फतेहपुर में, 5 अप्रैल है भदोही में और 10 अप्रैल है बरेली में,
और अलीगढ़ में अप्रैल 14 अप्रैल तक आवेदन हो सकते हैं, 5 अप्रैल तक अयोध्या में, 5 अप्रैल तक महाराजगंज में और 10 अप्रैल तक इटावा में, 6 अप्रैल तक शाहजहाँपुर में और 5 अप्रैल तक चंदौली में, संत कबीर नगर में है 5 अप्रैल और बस्ती में 1 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक ललितपुर में, 15 अप्रैल तक बिजनौर में, 5 अप्रैल तक मथुरा में और फरुखाबाद में 5 अप्रैल और 5 अप्रैल है गौतम बुद्ध नगर में। तो ये सभी डिस्ट्रिक्टों की करीब करीब यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहने वाले हैं या जिसके लिए आप आवेदन करने की इच्छा रखते हैं उससे संबंधित आप पदों पर जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं मेरिट के लिए आवेदन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके सामने पदों की संख्या यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी मेरठ। तो यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जितने जितने पद हैं वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ में जो पदों से संबंधित जैसे एक्टिव योग्यता तो हमने बता दी है, 12th क्लास आवेदक को होना चाहिए और अन्य जो क्राइटेरिया है वो भी वीडियो के दौरान हमने बताया है। तो इस तरह से इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर वाले बटन का इस्तेमाल करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह का दिखाई देगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर सकते हैं और पहले बार कराने चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, जिला यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जिस जिले के आप रहने वाले हैं उस जिले को। मान लीजिए मैं यहाँ पर आप देखेंगे मेरठ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरठ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है और ये कैप्चा को हमें डाल देना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उसके बाद में आप लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन करने के लिए अब यहाँ देखेंगे लॉगिन एप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल किया है, दिए गए कैप्चा को हमें डाल देंगे, लॉगिन कर लेंगे और इस तरह से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल रूप में भर लेंगे। डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हम सेकेंड वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, इससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सकेगा। तो इस तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिस जिले के आप रहने वाले हैं उस जिले में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। हर डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो अलग अलग है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अंतिम तिथि के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं और मिनी कार्यकर्ती से रिलेटेड जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो अच्छे समझ आ गई होगी। और ये भी आशा करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में आप अंतिम तिथि से पहले पहले आंगनबाड़ी के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले पहले सबमिट जरूर करा देंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट पूजा समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा